जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हम लोग प्रेजेंट में चित्रकूट धाम में बाबा तुलसीदास जो थे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी थी, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से हेड ऑन तुलसी घाट रोड, देन मेक ए यू टर्न। हम जो है तुलसीदास बाबा यहीं श्री रामचरितमानस को लिखा था, और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थानी धमाका, मैं त्रिलोकीनाथ शर्मा, आपको जैसे मैंने धौलपुर से निकलते हुए अयोध्या जी के दर्शन YouTube के माध्यम से कराए, और प्रयागराज के दर्शन कराए, बाकी ये सब जगह के दर्शन कराए, उसी तरीके से मैं आपको, आप लोगों को दर्शन कराता हुआ इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज, तो उसकी नाल उसी कमरे में नाल जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी की नाल गड़ी हुई है, जिसे नरा कहते ना भी। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था। जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है, तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये शिव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव, ऊपर लिखा हुआ है श्री तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, दोनों सपना देकर के कालिंद्री से प्राप्त है। कालिंद्री कहा गया है जमुना जी को, कैसे प्राप्त हुई और कहाँ से प्राप्त हुई? तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास काशी में हुआ है, काशी बनारस में। दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनि तुलसी तजो सनि, और सम्मत 1554 कालिंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो सनि। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ, और जब 76 वर्ष की उम्र हो गई है 76, तब रामचरितमानस लिखना शुरू किए। 76 वर्ष की उम्र लिखने में समय लगा है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी किए। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया, तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज बाबा जी के प्रधान शिष्य थे, और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ, और एक नरसिंह है अवतार सालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे, और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी अहम विराजमान है, अभी उठा करके दर्शन करा देंगे। ये सारी चीज़ें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए, और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये बड़ा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई,
लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर के रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। एक हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ जमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही रोना धोना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथना अनुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई, नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होके निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं जमुना मैया से प्राप्त है। अब इस बार बाबा की ससुराल है, सामने गांव दिखाई दे रहा है। अच्छा। और श्रीमान जी वो प्रतिमा है जिसकी बाबा स्वयं पूजा किया करते थे। सरकार और आगे आ जाए, ये वही प्राचीन सिंहासन है बाबा जी के टाइम का। इतना है, रुकिए रुकिए एक मिनट, ये नहीं है। गौर से देखें, ये नरसिंह भगवान का मुखारविंद है, ये मुख है, दिख रहे हैं? हाँ हाँ। और ये शेर के खोपड़े में जैसा कलर होता बालक कलिया। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। आधा नर आधा सिंह। जय ये नरसिंह। जी हाँ, नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान है, मस्तक देंगे। हम आए हैं, हम प्रेजेंट में जो तुलसीदास महाराज जी के बारे में कुछ जो पुरानी और प्राकृतिक जो दो बातें थीं वो महाराज जी ने हमें दो शब्द सुनाए, और हम प्रेजेंट में जो है तुलसीदास बाबा की जन्मभूमि पर उनके मंदिर पर ही हैं, और हम महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी, ठीक है महाराज। हम लोग महाराज, हमारा एक यूट्यूब पर एक चैनल है राजस्थानी धमाका, और मैं उसको चला रहा हूँ। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ शर्मा है। हमारा एक चैनल है, धार्मिक चैनल है, जिसमें मंदिरों के वीडियो वगैरह हम सारी चीज़ें डालते हैं। तो हम लोगों ने, हम धौलपुर से निकले हैं, और धौलपुर से होते हुए हम गए पहले अयोध्या। अयोध्या जी में हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए, और अयोध्या में दर्शन करने के बाद में फिर गए हम बनारस, काशी बनारस, बाबा भोलेनाथ भोलेनाथ के दर्शन करे हमने, काशी विश्वनाथ के। उसके बाद में हम लोगों ने प्रयागराज में स्नान बनाए और दर्शन किए, और अब उसके बाद में हम आए हैं चित्रकूट। तो चित्रकूट में हम पहले आप लोगों के दर्शन किए, बाबा तुलसीदास बाबा के भी हम लोगों ने दर्शन किए, और आपसे हमने तुलसीदास बाबा के पुराने चरित्र के बारे में कुछ दो शब्द भी सुने, और हमें बहुत अच्छा लगा। और कुछ हो तो आप बताइए। ये तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है। हाँ, और यही उनका प्रसव कक्ष है। अच्छा। गर्भगृह, बर्थ प्लेस। अच्छा अच्छा। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। जी महाराज। अब मैंने, आप लोगों ने सुना, और महाराज जी ने यानी हमारे पंडित जी ने बताया कि इसी ही
गर्भगृह में तुलसीदास बाबा को बाबा ने जन्म लिया था। और महाराज ऐसा बताते हैं कि बाबा ने जन्म लेते ही उनके दांत वगैरह और उसके बारे में कुछ 3200 दांत मौजूद थे। जब हमारे तुलसीदास बाबा ने जब जन्म लिया था उस समय पे 3200 दांत उपलब्ध थे। और 75 साल के बाद में उन्होंने श्री रामचरितमानस 76 वर्ष के बाद में उन्होंने श्री रामचरितमानस को जो है लिखा, ऐसा महाराज जी ने हमें बताया। और हम अब आपको जो महाराज जी के कहने के अनुसार जो भोलेनाथ की प्रतिमा और अभी जो और ये प्रतिमा दोनों जमुना जी से प्राप्त है। हाँ, ये दोनों प्रतिमाएं जमुना जी से प्राप्त हुई हैं। मैं उन दोनों के आपको दर्शन कराता हूँ और ये अब आप दर्शन कीजिए स्वयं तीन लोक के नाथ, सीता, राम और लक्ष्मण और हनुमान जी भी बैठे होंगे यहीं कहीं कोने में। हाँ, हनुमान जी कोने में बैठे होंगे। भैया वो तो रामदूत हैं। रामदूत में मां तो जानकी सपन करुणा सपत निदान की। ये हमारे तुलसीदास बाबा हैं और मैं भी इनके चरणों में नमन करते हुए ये विनती करता हूँ कि हे प्रभु, मुझको आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो चैनल है वो न्यूज चैनलों की तरह सर्राटे यानी सुपरफास्ट स्पीड की तरह आगे ही आगे चले। हे मेरे तुलसीदास बाबा, मेरे स्वयं ये रघुनाथ जी की प्रतिमा और भोलेनाथ की जो है प्रतिमा है वो दोनों यहाँ जमुना जी में मिले हैं। ये जो तुलसीदास बाबा की जो प्रतिमा है ये स्वयं इनको जमुना जी में से मिले हैं। वो प्रचार इसके बारे में अभी बाबा ने आपको बताया था कि ये किस तरीके से मिले। ये भोलेनाथ तुलसीदास बाबा के काशी में शांत होने के बाद में और गांव वाले जब रोने बिलाप करने लगे थे, जब बाबा ने उनको सपने में आकर के बताया कि मैं आपके पास ही हूँ और आपको मिल जाऊंगा, और आप फिर उन्होंने दोबारा सपने में बताया तो वहां से पानी जमुना जी का उबाल ले रहा था, वहां से ये भोलेनाथ की प्रतिमा और वो तुलसीदास बाबा की प्रतिमा दोनों वहीं से मिली हैं और आज ये यही है। ये राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हम आपको दिखाते हैं ये तुलसीदास बाबा की जो कुटिया है, ये हमारे तुलसीदास बाबा की यहाँ श्री रामचरित मानस अखंड चल रहा है। गंगा जी के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। वह घाट यही है भैया, मैं आप लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये उस पार भी नाव डली हुई है और ये इस पार पर भी नाव हैं और ये घाट है और ये सीढ़ियाँ हैं। काफी लंबा है हिसाब किताब। ये वही पुराना तुलसीदास बाबा का मंदिर, यहाँ लोग दूर दूर देश विदेशों से आते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री तुलसीदास जी का पुराना रामायण जो रखा हुआ है। जय जय श्री राम। तीन से लेके मुझसे बोले तब दो पहला ये शासक कौन या खा खट कौन जो भी आप कहते हो आप खा खट कौन जी जी आप भैया इसको हाँ इसको खा खट कौन कहा जाता है तो कहाँ के हैं आप? बुंदेलखंड कानपुर के हैं। अच्छा पुराने लोग कहते हैं उस पार वाले शासक कौन कहते हैं, इस पार वाले सब खा खट कौन कहते हैं। हम पढ़ते भी हैं यारा लावा साखा सा। अच्छा तो इसको तो लिखते हैं मेरे भैया ये राय लिखते हो? अरे नहीं भाई, आप लोग दर्शन कीजिए बाबा तुलसीदास जी की जन्मभूमि में। दोनों
दोनों राह इस राह को एक जगह आप लिखते हैं, सुनिए जो मैं अक्षर बोल रहा हूँ ना ऐसे। अरे भाई जानकारी है जरूर रखी। ये इस भाषा में तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस को लिखा है, वो महाराज जी ने हमको बताया और काफी देर से हमारे हमें जानकारी दी। ये पूरा डिटेल है इसमें महाराज जी ने बताया है, मैंने इसमें नोट डाउन किया है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा, ये तुलसीदास बाबा की हैंड राइटिंग है ऐसा महाराज जी ने हमको बताया है। चालू है वो यार, चालू चल चल चल। अरे विश्वास नहीं करता यार, यार बहुत गुंडा आदमी है यार, यार विश्वास तो करना चाहिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ नहला फटा रहा हूँ। हाँ गंगा जी के घाट पे है भाई, इस दल की भीड़ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भाई है पवित्र आ जा, जब बाद में पैरी देखते कि देर में नहरू पुश कर दे लाल है। नहीं पीछे गए, नीचे गए, नीचे गई है दो डंडे ने। मैं दो डंडे जमुना जी के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। भैया रामचंद्र जी की कृपा से हमारे बनवारी लाल जी, हमने स्नान अभी कर लिया है और हमारे बनवारी लाल जी अब स्नान कर रहे हैं तुलसीदास बाबा के घाट पर। बनवारी लाल जी और डालो एक बाल्टी। हाँ ठंड कैसी लग रही है? आनंद आया क्या? सग पाप धो जाएंगे जाते। चलो अब न ठाड़े जाओ तुम, एक मिनट जाबड़ी शॉर्ट करेगा फिर शॉर्ट और लेकर जाओ। एकदम ढुको मुँह में, मुँह ढुको ऊपर। अब हम वीडियो को ब्राह्म की तरफ ले जाते हुए जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम।